हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अधिक मास की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि अधिक मास को मल्ल मास या पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया था। तब भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं, तो हिरण्यकश्यप कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके और आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं ही एक क्षत्र सम्राट रहूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर क्या था? वरदान मांगने के बाद हिरण्यकश्यप ने सब पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। हिरण्यकश्यप के अत्याचार जब ज़्यादा बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भी भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का भक्त हुआ। उसकी जान बचाने के लिए, यानी कि प्रहलाद की जान बचाने के लिए, प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तो तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि 12 माह में कोई भी मुझे मार न सके। तो भगवान ने भगत प्रहलाद की जान बचाने के लिए सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया था। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का, इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे पवित्र भी बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल्ल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसा भी माना जाता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल्ल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी थी। इस बात को लेकर वो बहुत दुखी था। दुखी होकर मल्ल मास श्रीहरि विष्णु भगवान जी के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्रीहरि विष्णु उसे लेकर गोलोक में पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल्ल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे, इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, दान पुण्य करेगा, व्रत करेगा, जप तप करेगा, तो उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए
उपयोगी बना दिया था। इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने वाले व्यक्ति को कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।